हमसे कोई भी बंदा परचेजिंग करता है, ये मैं दोबारा अगेन बता दूं कि हम लोग जो ना 3 डेज की 100% मनी बैक वारंटी देते हैं। सही। यानी कि 3 दिन में आपको चीज़ पसंद ना आए, आपको समझ ना आए, या आपको किसी ने कह दिया भाई आप गलत चीज़ लेके आ गए हो, या कोई कह दिया आपको यार बहुत महंगी चीज़ लेके आ गए हो, तो ये चीज़ 10,000 रुपये आपको फ़र्क में मिल सकती है सस्ती। तो वट एवर जो भी आपका इशू है आपने यहाँ रखना है, और हमने आपको ना काउंटर पर आपको कैश गिनवा देना है, रिटर्न 100% रिफंड वारंटी है एज़ पर शरिया कानून। शरीयत भी यही कहती है कि मुसलमान ताजर जो ना अपना फरोख्त किया हुआ माल अगर वो वापस आता है तो खंदा पेशानी के साथ में उसके वो पैसे वो वापस कर दे। अब जो बेसिक टिप्स हैं लैपटॉप की ख़रीदारी के हवाले से, ठीक है ना, गैल्वेनाइजिंग इसकी फ्रेश है, तो यही गैल्वेनाइजिंग अंदर भी यही होगी, देखें कैसे चमक रहा है लैपटॉप। सही। तो ये जो इसकी शाइनिंग है ना, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि लैपटॉप बहुत कम चला हुआ है। सही। ये लोकल चला हुआ लैपटॉप है, ये देखें इस पे आपको जंग रस्टिंग नज़र आ रही है। सही। तो अगर आपको लैपटॉप ख़रीदना हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि यहाँ पे ना आपका जंग ना, फोकस कर लें भले इसको थोड़ा सा और भी, ठीक है ना, कंडीशन चेक करें आप। सही, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, यूँ भी देख लें आप, ये सारे गोल्डन पॉइंट्स दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल साफ़ सुथरी। आप इन दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ तो आप देखें कितना वाजे फ़र्क है दोनों रेमो में, यूँ करके देख लें, चलें आप। सही। तो आप जो है ना सस्ती चीज़ ख़रीद रहे हो, अब आपको अंदर का क्या पता कि वो आपको क्या चीज़ दे रहा है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे 1,000-2,000 बचा भी लिए, तो सर कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर लिया आपने। लैपटॉप चला हुआ होगा, उसकी कीबोर्ड के नीचे की जो एरिया होगा ना, इसमें डस्ट भरी हुई है सारी है, ये देखें। अब मैं आपको ना फ्रेश लैपटॉप जो ना उसकी आपको जो ना कीबोर्ड को निकाल के चेक कराता हूँ, ये देखिएगा, मैं इसको खोल के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए। सही। आपको यहाँ बिल्कुल, अब ये और लोकल चला हुआ कीबोर्ड, ये कितना फ़र्क हो गया, बहुत फ़र्क। तो अब ये जो है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लैपटॉप बहुत स्लाइटली यूज हुआ हुआ, या पता नहीं शायद यूज़ हुआ हुआ भी है कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना। सही। एक तो ये टिप मैंने आपको दे दी इसकी, बिल्कुल फ्रेश हार्ड ड्राइव है। अच्छा, हमारी कंप्यूटर फील्ड के अंदर ना मेन चीज़ है ही हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब उसकी वजह ये होती है कि हम अगर स्क्रीन को रिप्लेस करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगी कोई मसला नहीं है, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, इवन के जो ना मतलब है कि कोई भी चीज़ की रिप्लेस हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक हार्ड ड्राइव एक ऐसा आइटम होता है कि जिसके अंदर ना आपका डेटा स्टोर होना होता है, और वो आपका डेटा प्रीशियस भी हो सकता है, आपका दुकान का जो ना लाखों करोड़ों खातों का हिसाब किताब भी हो सकता है, या आपके जो ना कोई पर्सनल जो ना वो डेटा हो सकता है, तस्वीरें, वीडियोस, मूवीज़ हो सकती हैं। तो वो आप रिस्क पर अपना डालें। आपने जो ना हार्ड ड्राइव लेते वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, इसके पॉइंट बिल्कुल गोल्डन है, वाजे फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। सही। दोनों में सही सही। या खोल के दिखाऊँ आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये हार्ड ड्राइव जो ना और फर्दर और मजीद रिपेयर होती है। एक तो ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मानी कि यूज़ हो चुकी है ये हार्ड ड्राइव। सेकेंड क्या है कि अब ये जो ना ये PVC स्टीकर है, ये PVC स्टिकर बहुत आसानी से नहीं उतरता, ये देखें कितना हार्ड तरीके से उतर रहा है। और इन्होंने क्या किया, इस पर जो भी काम किया वो काम करने के बाद इसको कागज़ का स्टिकर लगा, खुद बना के लगा दिया कागज़ का स्टिकर, ये देखें हम, ये PVC स्टिकर नहीं है, ये उन्होंने खुद अपने प्रिंट किए हुए हैं और वो इस तरह करते हैं काम। अब ये मार्केट में ये चार्जर्स मिलते हैं, ये मोल्ड चार्जर्स हैं, ये बाद में इनकी केबल मोल्ड हुई हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चार्जर चलते नहीं हैं, ये चार्जर भी चलते हैं और काम कर रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं, ये देखें। अब नीचे इसका स्टिकर कुछ और था और उसके ऊपर ना HP का स्टिकर उन्होंने खुद लगा दिया, ये सही, ठीक है, ये चलता ज़रूर है लेकिन सर ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ये देखें आप। अब इसकी केबल और इसकी केबल में क्वालिटी का फ़र्क देखें, कितना ये कितनी मोटी केबल है और ये कितनी पतली केबल है। सही। और इसकी मोल्डिंग देखें, ये जेन्युइन है, ये देखें, मैं इसको मोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, और ये जो ना रबड़ है, नरम रबड़ है, ये मोड़ जाता है, और अक्सर इसी जगह से जो ना वो चार्जर ख़राब होके ब्लास्ट कर जाते हैं या जो ना काम करना छोड़ देते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल चार्जर है। मैं तीनों को जो ना मैं एक साथ स्टार्ट करवाऊँगा, ये 5th जनरेशन की मशीन है, ये जो ना 3rd जनरेशन की मशीन है, और ये जो ना 1st जनरेशन की मशीन है, लेकिन इसके में क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि SSD लगाई हुई है, तो पावर ऑन करेंगे, 1, 2, 3 स्टार्ट। ये देखें, ये मैंने टाइमर जो ना इसको ऑन कर दिया और तीनों मशीनें एक साथ ऑन की हैं। अब वो होना तो ये चाहिए कि ये मशीन पहले स्टार्ट हो सबसे पहले, क्योंकि 5th जनरेशन है, फिर ये स्टार्ट हो क्योंकि ये 3rd जनरेशन है, और ये 1st जनरेशन है, इसको सबसे आखिर में स्टार्ट होना चाहिए। ये देखें आप,
स्टॉप कर देता हूँ कि तकरीबन 13 सेकंड मैंने कुछ थोड़ी देर बाद 13 सेकंड में ना इसने ये डेस्कटॉप इसका आ गया विंडोज 10 पे, ये भी चल रही है और वो भी सोच रही है और ये सोच रही है, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कस्टमर जो ना वो जनरेशन जनरेशन के चक्कर में बात कर रहा होता है, कह रहा है जनरेशन। अभी देखिए स्पीड का ताल्लुक लैपटॉप की जनरेशन से नहीं है इतना ज़्यादा, मीडिया से ताल्लुक है, चाइना ब्रांड एसएसडी है, सही, ठीक है ना। और ये हमारी जो ना ओरिजिनल सैंडिस्क की एसएसडी है। अब इसमें उसमें आप देखें बहुत फ़र्क है, इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखें, सब कुछ देखें आप। अच्छा मैं अगर इसको मैं खोल के दिखाऊँ ना, इसको इसके अंदर होगा क्या, ऐसा नहीं कि मैं इसकी कोई बुराई कर रहा हूँ, मकसद है कि ये अपनी जगह पे है, क्योंकि ज़्यादा इसकी वारंटी मिलती है, लोग वारंटी की वजह से इसको प्रिफेयर करते हैं कि ये वाली एसएसडी ख़रीदते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार वारंटी अपनी जगह पे रही, लेकिन अगर आप क्वालिटी पे देखो ना, तो जो क्वालिटी आपकी ब्रांडेड एसएसडीज की मिलती है, ख़ासकर M2 की मिलती है, वो क्वालिटी ना इसकी हो ही नहीं सकती कभी भी। ये देखें इतना सा सर्किट लगा हुआ सिर्फ, सही, और बाकी पूरा डब्बा खाली है, ठीक है ना। ये सर्किट है खाली एसएसडी, इसको कहते हैं एसएसडी, सही सही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। दोस्तों आज हम आए हुए हैं हुनेजा कंप्यूटर पे एक बार फिर, और इब्राहिम भाई हमारे साथ हैं। और यहाँ पर दोबारा आने का मकसद ये है कि इब्राहिम भाई के पास नया माल आ चुका है, नई वैरायटी आई हुई है, इनके पास क्या वैरायटी आई है वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी है कि जो लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है, एक बार फिर आपसे डिटेल में बताएंगे कि वीडियो जो लैपटॉप है वो आपने किस तरह परचेज़ करना है, आपकी परचेजिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि किस कोई एक आप माइंड बना के जाएं। इब्राहिम भाई आपको तमाम चीज़ें बताएंगे कि किस तरह आपको लैपटॉप एक ख़रीदना चाहिए, ठीक है ना, उसका रैम, उसकी मेमोरी किस तरह आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके। तो वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, तो वीडियो में जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, एक तो ये दिखा देंगे जो है ना ये इनके पास जो कौन कौन से लैपटॉप नए आए हुए हैं, नया माल क्या क्या आया हुआ है, और साथ ही साथ आपको ये भी गाइड करेंगे कि लैपटॉप किस तरह ख़रीदना है आपने। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इब्राहिम भाई क्या क्या नया माल आया हुआ आपके पास लैपटॉप के हवाले से? इब्राहिम भाई मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैरायटी अभी ये भी पड़ी हुई है, बहुत सारी भरपूर वैरायटी है, और ये तो समंदर है सर, पूरा तो कोई भी नहीं कर सकता इसको, लेकिन ये कोशिश ये होगी कि जितनी ज़्यादा मैं दे सकूँ अपने कस्टमर्स को जो है ना वो वैरायटी लैपटॉप्स के अंदर वो मैं दूंगा, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर। पहली बात क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, माल मेरा सस्ता नहीं होगा, माल मेरा जो है ना ये कि मार्केट से शायद थोड़ा सा एक आध हज़ार दो हज़ार रुपये आप जो ना उसको महंगा आप समझ लें कि आपको महंगा मिलेगा, लेकिन जो ना आपको चीज़ क्वालिटी वाली मिलेगी आपको इंशाल्लाह। अब सबसे पहले जो ना एक तो मैं थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन लोगों का क्लियर कर दूं अगेन कि लोगों के माइंडसेट में ना सब ये चीज़ बैठी हुई है कि ना हम सस्ती चीज़ ख़रीदें, तो जहाँ से सस्ती आवाज़ लगती है और वहाँ कंज्यूमर जो ना वहाँ पहुँच जाता है, तो या तो वो चीज़ वहाँ अवेल नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो इस लायक नहीं होती कि उसको इस्तेमाल किया जाए, तो फिर चारों ना चार उनको कोई ना कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करें। मतलब एक बंदा आजकल मोबाइल भी ख़रीदता है ना, तो 15-20 हज़ार रुपये से कम का कोई अच्छा मोबाइल नहीं आता, तो कैसे लोगों ने जो ना समझ लिया कि यार 10-12 हज़ार रुपये की रेंज में आपको कोई अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। तो सर ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार का जो है वो आप छोड़ दें, आप ये टाइम गुजर गया, आप जिस तरह से डॉलर चल रहा है, जिस तरह से इम्पोर्ट के मामले आते हैं, तो अच्छी चीज़ जो ना वो आपको बेसिक जो स्टार्ट करेगी ना वो 20-22 हज़ार रुपये से ऊपर से स्टार्ट करेगी आपकी। तो यानी कि अपना ख़रीदने में ना थोड़ा सा आप अपना बजट बढ़ाएं, और अगर अभी बजट नहीं है आपका तो थोड़ा सा रुक लें, मतलब थोड़ा सा ठहर जाएं और थोड़ा मतलब एक बजट बना के फिर ख़रीद दें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती हैं कि ये बार बार तो ख़रीदी नहीं जाती हैं, तो एक ही दफ़ा ख़रीदी जाती है, तो कोशिश ये हो कि बंदा मतलब ये कि अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ लेके जाए। अब मज़ीद मैं आपको बताऊँ जब इस वक्त जो मेरे पास माल मौजूद है जैसे कि ये। अच्छा दूसरी चीज़ थोड़ा सा कोशिश करें अगर आपका बजट बन सकता है तो एक तो आप लिथियम बैटरी वाली मशीन ख़रीदें, लिथियम बैटरी की जो ना परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरियाँ होती हैं। ये देखें ये लिथियम बैटरी है, अभी ये लैपटॉप है, इसकी भी इंटरनल कंडीशन आप देख लें, ये बैटरी हटाई मैंने, सही, और ये देखें ये जेन्युइन इसमें SSD लगी हुई लाई है। चीज़ अपने सर मुंह से बोलती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है और फ्रेश फ्रेश होती है, सही।
जो मेरे पास वक्त जो स्टॉक है, अब ये वाला जो मेरे पास माल आया हुआ ये वाला जी, ये इंटेल का प्रोसेसर है इसमें, जिसके मैं यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये कम बजट के अंदर बहुत आला मशीन हमारे पास आई हुई है। एक तो ये मशीन जो है ना, ये 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ देखने गौर से आप, सही 11/7/2018 की मैन्युफैक्चरिंग है और 360 रोटेड है, टैब भी बन जाता है ये, सही ये देखें टैब बन गया, सही ठीक है ना। और इसके अलावा जो ना आप इसमें जो प्रोसेस रैम लगी हुई है इसके अंदर, वो DDR4 रैम लगी हुई है। अब DDR4 रैम आप कैसे बताऊँ, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी बस स्पीड से हम पकड़ते हैं इसको, ये देखें आप प्रोसेसर जो है ना इसका, ये देखें 4-कोर प्रोसेसर है और 4 CPUs हैं, यानी कि क्वाड कोर हो गया ये, सही इंटेल पेंटियम आर, यानी कि ये पेंटियम वो नहीं है, पेंटियम 4 वाला, सही ये 2018 का पेंटियम है और DDR4 रैम के साथ है। इसमें ग्राफिक कार्ड की भी जो ना कुछ सर्टेन इसमें एक मकदार मौजूद है। और ये देखें मेमोरी जो है ना, ये 2133 मेगाहर्ट्ज़, जो DDR3 रैम होती है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ ऊपर नहीं होती, तो ये 2133, इट मीन्स कि ये DDR4 की इसमें जो ना रैम लगी हुई है और 64 GB की इसमें SSD बिल्ट इन है। अच्छा, मज़ीद इसमें अगर आपने इजाफा करना है तो वो भी इसमें पोर्ट दी हुई है M2 की, जो कि मैं इसको खुली हुई मशीन दिखा देता हूँ। ये देखें इंटरनल कंडीशन इसकी, ये M2 की पोर्ट है। SSD आप चाहें 128 लगा लें, 256 लगा लें, एक्सटर्न जो करना होगा आपको स्टोरेज वो हो सकता है इसमें। और अंदर की देखें, ये लिथियम बैटरी है इसकी, और बैटरी की जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो यूँ समझ लें कि 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गए इसमें, 7-8 घंटे इसको आराम से चलाएं आप। और रहा मसला इसकी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट का, ये देखें अब मैं इसकी सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर 2021 लिखा हुआ, ये देखें मेरे ख्याल से 2022 है, ये 2021 लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ 2021, लेकिन वर्जन इसका 2022 का है। बहरहाल 21 भी आप कंसिडर कर लें, ठीक है। 2021 का इलस्ट्रेटर इस पर रन हो रहा है, ये देखें फाइल खुल गई। लोगों के पास ना इलस्ट्रेटर चलते नहीं है, अच्छी खासी मशीनों पर नहीं चलते, लेकिन ये इस पर रन हो रहा है। और फोटोशॉप भी आपका 2021 सही इस पर रन हो रहा है। विंडोज़ 11 भी सपोर्टेड है ये मशीन, सही ठीक है ना। तो हर लिहाज से ना मैं कहता हूँ कि कम बजट क्या, बजट क्या है इसका मैं आपको बता, यहाँ फोकस कीजिएगा ज़रा, हमारा 25,000 का इसका हमारा रेट है, ठीक है। सही मेरी कैटलॉग में ना इसकी सारी डिटेल मौजूद है, सही। और ये देखिए 4 GB DDR4 हो गई, 11.6 है, मैंने गलती से यहाँ इसको 11 इंच लिखा, 11.6 है ये, ठीक है। M2 की पोर्ट अवेलेबल है, टच है, लिथियम बैटरी। हम जैसा दुकानदार ना बहुत लिखता नहीं है बैटरी बैकअप, क्योंकि सी में वो पकड़ हो जाती है उसकी, सही। तो हम लोगों ने फिर भी डरते डरते भी इसको 5 घंटे लिखा है, सही। तो 5 घंटे अगर मैं कह रहा हूँ तो इसके मतलब ये 7-8 घंटे आराम से, सही ज़बरदस्त, ठीक है सर। ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो ना बहुत से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो है मतलब जैसे HP लोग पसंद करते हैं, वो मशीन मैंने खोल के आपको दिखाई थी, उसी मशीन को हमने रन किया हुआ यहाँ पे। अब इसमें जो है ना आपको मैं GTA 5 जो ना मैं रन करके आपको दिखाता हूँ इसमें, ये करके दिखाएं, क्योंकि इब्राहिम भाई गेमिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड करते हैं कि यार कोई लैपटॉप ऐसा हो कम बजट वाला हो जिसमें हम जो है ना गेमिंग कर सकें, सही। तो अब ये के लिए कौन सी मशीन है, इसका बजट भी बताइएगा और हमें चला के भी दिखाएं जी, इसमें थोड़ा सा इसको टाइम दें, सही। तो मैं इसके अलावा एक और मशीन है उस पर भी GTA 5 आपको रन करके दिखाता हूँ, जो इससे भी कम बजट की मशीन है, स्टार्ट हो रही है, हम आपको दूसरी दिखाते हैं मशीन, ये देखें आप। अब ये AMD की मशीन है, AMD का A6 का मॉडल है ये, सही। ये देखें AMD A6 है, ये असल में 2012 की एंड की मशीन है, नहीं कि थर्ड जनरेशन की मशीन है ये AMD की, सही। तो कम बजट के अंदर जो ना जिसको कहते हैं ना कि कम खर्च वाला मशीन वाली, अगर कोई कहानी कोई किसी को समझ आती है तो वही है। अब GTA 5 इस पर भी रन कर रहा हूँ मैं, सही। अच्छा, वो वाली की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, वो तो 45,000 हमारी डिमांड, क्योंकि 5th जनरेशन है उसकी ना। अच्छा, और ये क्या है? और ये जो है ना इसकी जो प्राइस हमारी 28,000 की है। अच्छा, ये देखिए इस पर भी GTA 5 आप रन होगा, सही। उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस पर GTA 5 होगी, इंट्रो शुरू हो गया इसका, सही। ये तो 45,000 की 8 GB 256 SSD के साथ, क्योंकि 1 GB डेडिकेटेड इसमें ग्राफिक कार्ड है, सही। और ये जो मशीन है ये हमारी जो है इसमें 768 MB इसमें बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड है, ये डिटेल लिखी हुई है, देखें नज़र आ रहा है आपको,
4GB DDR3 250GB DVD 15.6 inch HD जी। और इसमें जो ना ये ग्राफिक कार्ड 768MB 128 DX11 सही, और फुल कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड यानी कि जिसको कहा जाता है। ये देखें, ये अब GTA 5 क्योंकि मैं USB से इसको रन कर रहा हूँ, मैंने अभी इसमें वो ये देखें इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, ये USB में इसका सेटअप पड़ा हुआ है GTA 5 का। सही, देखिए वहाँ बढ़ गया वो गेम, उधर भी दिखाएं, ये देखें इसको दिखाएं पहले, इसको फोकस करें, ठीक है ये इंट्रो स्टार्ट हो गया। और ये इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखें अब इसको मैं चलाता हूँ, ये देखें स्मूथ चल रहा है बिल्कुल गेम। सही, हटा दो चादर वगैरह, ये देखिए सही, इतना काफी रहेगा या स्कोर आगे बढ़ाएं? बस ठीक है, चल रही है ना, मतलब हाँ, ठीक है, स्मूथ चल रही है, देखिए आपके सामने सही। ये देखें कहीं कुछ जर्किंग कोई लैकिंग कुछ नहीं है। इस तरह से इसमें जो ना वीडियो रेंडरिंग का भी छोटा मोटा काम हो जाएगा सही। और इसके अलावा जो ना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का तो कोई मसला नहीं, क्योंकि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो हमारी है जो 25,000 वाली मशीन है, तो वो भी चला रही है इलस्ट्रेटर 2021 फोटोशॉप 2021 तो अच्छा। मेन चीज़ ये ना कि मेरे दावे वो नहीं है आपको कि फार्मूले नहीं बताऊँगा आपको कि यार आप यूँ कर लो यूँ कर लो यूँ कर लो, मैं आपको वो चीज़ करके दूँगा आपको, मतलब प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ मैं आपको इंस्टॉल करके दे रहा हूँ। देखो उस पर भी ये रन हो गया हमारा GTA 5, क्योंकि गेमिंग के लोगों को थोड़ा डिमांड होती है, तो हमारे पास और कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है जिसको हम रन करके देखें, तो ग्राफिक कार्ड को चेक करने के लिए हम ना GTA 5 इंस्टॉल कर देते हैं इस पर। अच्छा अब जो चीज़ मैं आपको और इसमें करने जा रहा हूँ डिटेल इसकी, वो हार्ड ड्राइव और SSD का डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो ये मैं हटा देता हूँ, थर्ड जनरेशन की रेडी मशीन कौन सी, ये देखें सर ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया, ये देखें अभी 4GB रैम पे चल रही है और हार्ड ड्राइव इसमें नॉर्मल लगी हुई, SSD नहीं लगी हुई, नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। अच्छा नॉर्मल पे इतना अच्छा, नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे चल रही है, SSD लगेगा तो ये और स्मूथ हो जाएगा। बस देखें बेसिक चलता, मेरे को प्रोफेशनल कोई इसमें कोई 70-80 हज़ार वाली 1 लाख वाली मशीन तो है नहीं, लेकिन चलो आपका जो ना एक ये कि थोड़ा सा एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि आप GTA 5 आप चला सकते हैं, लेकिन आप इसको कहेंगे फुल हाई रेजोल्यूशन पे ही चले तो उसके लिए सर पे 1 लाख वाला लैपटॉप भी चाहिए। सही। अच्छा जी अब मैं आपको जो ना एक फ़र्क दिखाने वाला हूँ, ये i5 की 5th जनरेशन की मशीन है जिसमें 8GB रैम 500GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ठीक है सही। और ये टच डिस्प्ले में। अच्छा दूसरी मशीन जो ना ये वाली है हमारी i3 की i5 की 3rd जनरेशन है, 4GB रैम 250GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है इसमें, देखें इसमें हार्ड ड्राइव भी लगी हुई, नीचे आपको नज़र आ रही होगी ये किनारे पर, ये कनेक्टर ना करेक्ट वो सर्किट नज़र आ रहा है, ये हार्ड ड्राइव का करेक्ट सर्किट है। अच्छा ये अब ये जो हमारी है ये 1st जनरेशन की मशीन है सही, ठीक है ना, इसमें भी 4GB रैम और 250GB हार्ड ड्राइव है सही, लेकिन ये इसमें हार्ड ड्राइव को हटा के मैंने इसमें मैंने SSD लगाई है M.2 SATA विद कनेक्टर, ये कनेक्टर स्पेशली मैं मंगवाता हूँ, मार्केट में अवेलेबल नहीं है सही। तो मैंने क्योंकि ये M.2 SATA जो ना ये इसकी ये इंटेल की ड्राइव लगी हुई है, और से देखिए इंटेल का इसमें ब्रांड लगा ये M.2 का सही। तो ये इसकी जो पोर्ट होती है ना ये छोटी मशीनों में होती नहीं है सही। तो इसको इसके साथ चलाने के लिए मैं जो ना M.2 का कनेक्टर लगाता हूँ। अब मैं आपको इसकी स्पीड का चेक करवाऊँगा। अब आम जो कस्टमर होगा उसके जहन में तो ये होगा ना कि हार्ड ड्राइव के साथ 5th जनरेशन है तो ये फास्ट चलेगी, 3rd है ये भी अच्छी चलेगी, और ये 1st है ये स्लो होगी। मैं तीनों को जो ना मैं एक साथ स्टार्ट करवाऊंगा, ये 5th जनरेशन की मशीन है, ये जो ना 3rd जनरेशन की मशीन है, और ये जो ना 1st जनरेशन की मशीन है, लेकिन इसके में क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि SSD लगाई हुई है तो पावर ऑन करेंगे 1, 2, 3 स्टार्ट, ये देख ये मैंने टाइमर जो ना इसको ऑन कर दिया और तीनों मशीनें एक साथ ऑन की। अब वो होना तो ये चाहिए कि ये मशीन पहले स्टार्ट हो सबसे पहले क्योंकि 5th जनरेशन है, फिर ये स्टार्ट हो क्योंकि ये 3rd जनरेशन है, और ये 1st जनरेशन है इसको सबसे आखिर में स्टार्ट होना चाहिए। ये देखें आप स्टॉप कर देता हूँ कि तकरीबन 13 सेकंड मैंने कुछ थोड़ी देर बाद 13 सेकंड में ना इसने ये डेस्कटॉप इसका आ गया विंडोज़ 10 पे, ये भी चल रही है और वो भी सोच रही है और ये सोच रही है, सही कह रहे हैं ठीक है ना। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कस्टमर जो ना वो जनरेशन के चक्कर में बात कर रहा होता है, कह रहा है मैं जनरेशन, अभी देखिए स्पीड का ताल्लुक लैपटॉप की जनरेशन से नहीं है इतना ज़्यादा सही।
मीडिया से ताल्लुक है, क्योंकि मीडिया जो ना ये इसमें जो ना मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं यार्ड ड्राइव में, देखिए फ्रेश यार्ड ड्राइव बिल्कुल ठीक, ठीक। अब मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें प्लेटर होता है, इसमें हेड होता है, इसके अंदर जो ना बैरिंग्स होते हैं, एक तो ये बैटरी भी बहुत कंज्यूम करती है ये डिवाइस, ठीक है, और दूसरा हाँ साटा ड्राइव है, साटा ड्राइव है और बैटरी भी कंज्यूम करेगी, और सेकेंड जो है ना इसका जो पावर ऑन टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और इसके अलावा जो ना इसमें ये कि आपको जो ना बाकी की जो विंडोज़ खुलने के बाद जो वर्किंग है उसमें भी आपको जो ना थोड़ी सी लैगिंग आपको मिलती है। तो मैं एडवाइस करता हूँ सबको कि जिनके जैसे पुराने लैपटॉप्स हैं अब वो फ्रेट अप हो गया, अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं तो भले वो उसको चेंज ना करें, आप उनमें ना SSD पुट करवा लें। तो ये इस तरह के जो ना कनेक्टर्स जो ना हमने मंगवाए हैं, ये देखें ये कनेक्टर्स हैं, नॉर्मल SSD तो वैसे मार्केट से मिलती है लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उस पर वो पहुँच नहीं सकती है। और नए जो लैपटॉप आए हैं और उनकी क्या प्राइस रेंज है, और हमारे जो कस्टमर आपसे रब्ता करेंगे, जो भी व्यूअर्स आपसे रब्ता करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें हमें जरा जल्दी जल्दी बेनिफिट तो देखें। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपका आपके अलावा भी एक तो आपके रेफरेंस होता है, और ज्यादा ख्याल करते हैं ये आपके जो ये बताता मैं यार मैं YouTube पे जो ना वीडियो देख के आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की जो ना वो आमद भी हुई है, बहुत अच्छा बिज़नेस हमारा हुआ है इससे, मतलब बूम हुआ है बिज़नेस हमारा। लेकिन ये कि हमारी वैसे भी जो ना जनरली कोशिश ये होती है कि जिस कस्टमर का हमारे कदम अगर हमारी दुकान पर लग जाए तो वो हमें फिर छोड़े ना, वो हमारे साथ कनेक्ट रहे, और उससे रिलेटेड जो ना जितने भी लोग होंगे जा रहे हैं उसके पास अगर चीज़ अच्छी चलेगी तो वो बिज़नेस हमारा जो ना मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे अपनी सवाबदीत पे कि अगर हम अच्छा काम करके अपने बिजनेस को और मल्टीप्लाई करके प्रमोट करें या उसको वहीं ख़त्म कर दें। सही। अच्छा राम मसला आपने कहा क्या क्या चीज़ आई है, तो चीज़ें तो सर आती रहती हैं जाती रहती हैं, अब इसके लिए जो ना आसान तरीका क्राइटेरिया ये कि मेरा नंबर जो ना ये अब भाई दे देंगे उसमें वीडियो पे भी, तो उसमें जो ना उस नंबर पर आपको जो ना मेरी कैटलॉग का एक उस पर लिंक है व्हाट्सअप की कैटलॉग का, तो जो भी मेरा अवेलेबल स्टॉक होता है वो स्टॉक जो ना मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, तो उसमें मैं स्लाइटली थोड़ी बहुत एक गुंजाइश होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इसमें 2000 रुपये की गुंजाइश में कर देता हूँ। और राम मसला आपने कहा था कि और क्या है, तो ये जैसे लेनोवो की मशीन है ये बहुत अच्छी मशीन है, अब इसमें क्योंकि हार्ड ड्राइव लगी हुई थी इसलिए स्लो चल रही थी, अगर इसमें भी SSD लग जाएगी तो ये भी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे आ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसमें जो ना सबसे बड़ा बेनिफिट जो लेनोवो के अंदर आता है ना आप गौर कीजिएगा, वो बहुत किसी बहुत कम मशीनों में होता है, ज़रा गौर कीजिएगा करीब से करें ज़रा इसको। इसमें 2 बैटरी हैं, अब लेट सपोज अब आप कहेंगे ये 2 घंटा 16 मिनट अभी इस पर बैकअप आ रहा है 44% पे, सही ठीक है ना, अब मैं एक बैटरी को निकाल देता हूँ, मशीन ऑन है सही। मैं बैटरी निकाल रहा हूँ, ये मैंने बैटरी निकाल दी सही। यही लैपटॉप है सही। ये ऑन है ना लैपटॉप भाई, बिल्कुल ऑन क्यों है, इसके अंदर एक और बैटरी लगी हुई है, डबल बैटरी है। तो लेनोवो जो ना मेरे हिसाब से ना मोस्ट रिलायबल और मोस्ट जो ना मैं कहता हूँ कि बेनिफिशियल लैपटॉप होता है हर लिहाज से, जैसे इसके अंदर लाइटिंग कीबोर्ड भी है, अब हर उसमें नहीं होता लाइटिंग कीबोर्ड, लेकिन ये कि जैसे इसके अंदर जो ना लाइटिंग कीबोर्ड भी है थोड़ा सा, इसी के जो ना बहुत से वेरियंट हैं, ये तो हमारा 5th जनरेशन में टच स्क्रीन है, ये देखें आप, ये देखें टच स्क्रीन है, ठीक है ना, 5th जनरेशन का। इसका भी रेट जो ना आपको यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन आप मेरी व्हाट्सअप की कैटलॉग पे चेक करेंगे ना तो उसकी सारी तस्वीरें हैं, पूरी डिटेल्स की मिल जाएगी, 8 GB RAM 500 GB 42, तो 1000-2000 रुपये का हम लोग गुंजाइश दे देते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे ये 5th जनरेशन मशीन है, इसमें भी ड्यूल बैटरी है, अब ये कम बजट के अंदर ना 5th जनरेशन की मशीन आ रही है 32000 रुपये की, वो 42 की थी, 32 की, स्क्रीन साइज छोटा है लेकिन जो ना चीज़ सब कुछ वही है, उसका 14 इंच का साइज था, टच था, ये 12.5 इंच डिस्प्ले में इस पर मेंशन है, 12.5 इंच डिस्प्ले और लिथियम बैटरी के साथ, और बैटरी भी ड्यूल है इसके अंदर भी, सही। मैं आपको यहाँ भी अगर कहें तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, यानी कि मशीन ऑन हुई, अब मैं बैटरी निकालने जा रहा हूँ, अच्छा बैटरी लो है तो मैं दूसरी मशीन उठा देता हूँ, मशीन ऑन हुई है, ठीक है जी, अब मैं इसकी बैटरी निकालने जा रहा हूँ, ये बैटरी मैंने निकाल ली सही,
अभी भी ऑन है, ऑन है तो मशीन में अंदर भी एक बैटरी लगी हुई है सही। तो अब अगर आपको ये 30,000 रुपये की, अगर 2,000 रुपये डिस्काउंट भी मैं कर दूँ आपको, 30,000 रुपये में आपको फिफ्थ जनरेशन की मशीन मिलती है, तो सर अब आपको क्या चाहिए उसके। तो इसमें मजीद जो मेरे पास माल अभी आने वाला है इसी की सिक्स जनरेशन मशीन पर मेरे पास आएगी X270, तो उसमें भी इंशाल्लाह जो ना मैं कैटलॉग भी जो अपडेट कर दूंगा तो आपको जो ना मिल जाएगा। इसको शटडाउन कर दो यार। और इसके अलावा जो है ये देखें, ये डेल की मशीन है, i5 i3 की फोर्थ जनरेशन है सही। ये 1080p के साथ है सही। ये देखें आप सब। अच्छा जी, एक और मशीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें, ये HP की जो हमारी इंतहाई जो ना ये अल्ट्रा स्लिम मशीन है, HP फोलियो 1040G1 ठीक है ना। ये आप देख लें, बिल्कुल स्लिम मशीन है सही, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन है। और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और इसकी रेजोल्यूशन चेक कराता हूँ आपका मैं इसकी। ये देखें 1920x1080 सही, ठीक है। और इस पर मैं आपको जो ना इसकी वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ आपको मैं। स्पीकर की भी अच्छी आवाज़ है, कलर भी अच्छे हैं इसके। अच्छा, और इसके रेट जो ना ये लिखे हैं मैं, अब इसमें तकरीबन 2,000 रुपये का इसमें भी डिस्काउंट हम लोग देते हैं सही। अच्छा, अब इशू ये हुआ है कि हमारे कुछ जो ना कस्टमर्स हैं वो कराची से बाहर इंटरसिटी से जो ना वो हमारे को कांटेक्ट करते हैं, तो वो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें जो है अब वो COD की बात करते हैं। तो सर मसला ये कि COD पे अब मैं अगर कोई चीज़ देता हूँ आपको तो उसकी एक तो पेमेंट मुझे जो ना 15 दिन के बाद मिलती है, तो मेरा ना इतना वो नहीं है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पेमेंट जो ना जो भी मेरा ऑनलाइन जो कस्टमर मेरा लगेगा, आपको अगर समझ में आया, पसंद आया और आपका दिल मुतमईन हुआ, तो आपने मुझे जो ना ऑनलाइन पेमेंट लगवा देनी है 100% विद कोरियर चार्जेस। वो हमारी जो भी कंपनसेशन होगी, हो सकता है कि मैं कोरियर चार्जेस खुद से कर दूँ या कोरियर चार्जेस जो ना आपको पे करने पड़े, वो अलग बात है। तो अब तक तो यही है कि जिन जिन लोगों के पास जो ना मेरी मशीनें गई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई एक आध पीस का किसी मसला है तो मैंने अपने खुद पैसे दे के मैंने उसको वापस मंगवाया, उसको छोड़ा नहीं है मैंने मसले को, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर वैसे भी लोग थोड़े डरे हुए, लोगों को थोड़ा खदशा ही रहता है कि यार कोई चीट फ्रॉड ना हो। तो सर मेरा चीट फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन मैं COD पे काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। मेरा काम जो है वो आप 100% पेमेंट आप मुझे लगाएंगे मेरे अकाउंट में, तो उसके बाद ना एक दिन या दो दिन में आपसे लूँगा वेरीफाई करने के लिए मज़ीद, क्यों ताकि मैं भरपूर तरीके से चेक कर लूँ कराची से बाहर का मामला होता है, और फिर मैं जो ना मशीन को रवाना कर देता हूँ। ठीक हो गया इब्राहिम भाई। जी रिजवान भाई, इब्राहिम भाई सबसे कम से कम रेट पर हमें कौन सा लैपटॉप मिल जाएगा? सर भाई ये जो सस्ते वाले जो मसला है ना, ये तो मैं इस पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे इस लैपटॉप की फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है ना, वो क्रोमबुक के आने से हुआ है। क्रोमबुक की जो जनरेशन है वो या यूरोप मैन्युफैक्चरिंग है, वो तकरीबन 13, 14, 15, 16 इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें जो जनरेशन होती है वो भी तकरीबन 4th, 5th, 6th जनरेशन मशीनें होती हैं। तो अब वो कस्टमर को जो ना जो दुकानदार बता रहा होता है कि हम आपको 5th जनरेशन मशीन दे रहे हैं, 6th जनरेशन मशीन दे रहे हैं, और वो आपको 10,000-12,000 रुपये की वो कोट कर रहा होता है, 15,000 की कोट कर रहा होता है, तो बेसिकली क्रोमबुक एक अलग चीज़ है। क्रोमबुक जो ना वो बिल्कुल ऐसा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक आध पीस है, ये देखें। अब इसमें क्या है, 4GB रैम है, 32GB सिर्फ स्टोरेज है सही। अब ये मशीन है देखें आप, तो इसका एक तो कीबोर्ड भी चेंज होता है, ये कीबोर्ड लिनक्स कीबोर्ड है, इसके अंदर जो ना ऊपर के जो ना फंक्शन कीज़ नहीं होंगे, विंडोज़ की यहाँ पे नहीं होगी, इसके अंदर जो ना जो कैप्स लॉक का बटन होता है ना, कैप्स का, वो भी नहीं होता इसके अंदर। ये देखें अब नॉर्मल जो आपका विंडोज़ का कीबोर्ड है, अब आप खुद कंपेरिजन करें, एक मिनट से दिखाता हूँ, ये देखें आप, अब दोनों के कीबोर्ड का कंपैरिजन देखें आप, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है कीबोर्ड में सही। ये विंडोज़ बेस कीबोर्ड है सही। और ये जो ना लिनक्स बेस कीबोर्ड है सही। तो इसमें विंडोज़ अगर कन्वर्ट हो भी जाए तो ये उस तरह से नहीं चल सकती जिस तरह से जो ना ये यानी कि विंडोज़ वाले लैपटॉप पे ही चलेगी। तो अगर जिनको सस्ती चाहिए तो मिल तो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन ये वो ले जाने के बाद ना फिर उनको पता लगता है कि नहीं यार इस पर तो हमारा कोई काम ही नहीं चल रहा, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा, तो उसके बाद ना फिर कन्फ्यूज़ हो गया, फिर वो तो वापस तो होती नहीं चीज़, फिर बिल आखिर फिर इनको जो ना लैपटॉप पे आना पड़ता है। तो जिनका कोई हल्का फुल्का बच्चों को देना है तो वो तो सर पर यही है खिलौना ही है, ये आप ले लिया करो। और अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जिस पर आपको काम करना है, जिसमें एक्सेल ये वो अगर फोटोशॉप वगैरह सारे काम चलाने, तो फिर आपको सर वो विंडोज़ वाली मशीन लेनी पड़ेगी जो स्टार्ट होती है कम से कम 20-22,000 रुपये से। और
और एक चीज़ ये भी मेंशन कर दें, क्रोमबुक वर्सेस लैपटॉप दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका जो प्रोसेसर होता है ना वो मतलब ये मोबाइल टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। सही है, ठीक है ना। प्रोसेसर तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन बाकी इसमें फीचर्स नहीं है। इसकी स्टोरेज नहीं बढ़ सकती, 32 GB स्टोरेज में आप क्या करेंगे विंडोज़ करके? अब आप मुझे बताएं 32 GB में आपका तकरीबन जो है ना 25-30 GB तो विंडोज़ ही खा जाता है, अगर विंडोज़ ट्रांसफ़र भी मशीन आप लेते हैं। हाँ, इसमें अगर ये क्रोम में चलाते हैं तो क्रोम क्या चीज़ है? क्रोम बेसिकली जो है आपका मोबाइल को जो ना उन्होंने कीबोर्ड और स्क्रीन के साथ दे दिया आपको। तो जिस तरह मोबाइल में बंदा थोड़ा अनकन्वीनियंट फील करता है, तो अनकम्फर्टेबल फील करता है, वैसे वही यही चीज़ होती है। तो जिसको चाहिए भाई वो ले जाए, लेकिन अगर वो लैपटॉप के कंपैरिजन में इसको लेके जा रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर क्रोमबुक को क्रोमबुक समझ के ख़रीद रहा है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं, नो डाउट। लेकिन क्रोमबुक को अगर वो कंपेयर करके लैपटॉप से कंपेयर करके ख़रीद रहा है तो वहाँ गलती हो रही है उनसे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो देखने के बाद ये तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कहीं से धोखा नहीं खाएंगे। इब्राहिम भाई ने आपको फुल डिटेल के अंदर गाइड कर दिया है कि मशीन लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। और जो भी इनसे रब्ता करना चाहता है, इनका नंबर मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।